धनबाद लोकसभा सीट से बीजेपी ने ढुल्लू महतो को प्रत्याशी बनाया है। उनका दावा है कि न सिर्फ कोयलांचल, पूरे झारखंड में कमल खिलेगा। ढुल्लू महतो से बात की सहयोगी अरुण ने। बीजेपी ने धनबाद लोकसभा क्षेत्र से इस बार ऐतिहासिक फैसला लेते हुए संघर्ष की उपज बागमारा विधायक ढुल्लू महतो को अपना कैंडिडेट बनाया। हालांकि इनका कार्य क्षेत्र गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का जो टारगेट है 400 पार, तो ऐसे कैंडिडेटों पर दाव खेला जा रहा है जो सियोर से सीट निकाल दे सके। सबसे पहले तो न्यूज 11 भारत से जुड़ने के लिए धन्यवाद आपको, और बीजेपी ने आप पर विश्वास जताया है, बहुत विश्वास जताते हुए आपको अपना उम्मीदवार बताया, कैसे खड़े उतरेंगे? जो आपने बताया कि मोदी जी हम पर विश्वास किए हैं, मोदी जी 140 करोड़ जनता पर उनका विश्वास है, और ये पार्टी का निर्णय है, पार्टी का निर्णय हमारे लिए सर्वोपरि है, और पार्टी का जो निर्णय हम पर जो विश्वास जताया है एक साधारण मजदूर गरीब परिवार के एक बेटा पर, इसके लिए मैं पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अपने गृह मंत्री अमित शाह जी, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और झारखंड के लोकप्रिय प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी, और हमारे जितने सारे नेता हैं, सभी लोगों ने जो हम पर विश्वास जताया, इसके लिए मैं अपने हार्दिक दिल से बधाई देता हूं। और मैं बधाई के साथ ये आश्वस्त करना चाहेंगे कि जिस आशा और विश्वास के साथ हमें धनबाद लोकसभा से हमें टिकट दिया, उस विश्वास पर खरा उतरने का काम करेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे, और लोगों का जो आकांक्षा है बहुत लंबे समय से, उस आकांक्षा को पूरा करने का काम करेंगे। तो धनबाद के लिए क्या किस तरह की योजना है, धनबाद के विकास और धनबाद के लोगों के लिए? अरे मोदी जी काम के लिए ही आज प्रसिद्ध है पूरे विश्व में, हमारा देश का नेता है मगर पूरे विश्व में प्रसिद्ध किस लिए? आज भारत हमारा देश को विकास के क्षेत्र में हमें लगता है कि पूरे विश्व में नंबर पर आ चुका है, 2-3 नंबर पर आ चुका है, और हमें आने वाला समय फिर उनको 5 साल मौका मिलने जा रहा है 400 सीट पार करके, तो फिर और काम होगा आने वाला समय में। धनबाद में जो जो समस्या उसको पूरा करेंगे, कहीं ना कहीं तो करना ही है। पहले 2-3 मेडिकल कॉलेज हुआ करता था, अभी लगभग दर्जनों मेडिकल कॉलेज पूरे झारखंड में और बिहार में मिलाकर हो गया, तो हमें लगता है कि आने वाला समय जो जो समस्या है वो सारा समस्या निदान करने का काम हमारे पार्टी नेतृत्व के द्वारा किया जाएगा। एक और सवाल है, गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र आपका आवास है, यहाँ पे NDA की ओर से चंद्रप्रकाश चौधरी जी को फिर से कैंडिडेट बनाया गया ISU की ओर से, क्या लगता है यहाँ ये भी सीट आप निकाल के देंगे? निश्चित तौर पर 14 का 14 लोकसभा सीट हम लोग निकाल के देंगे, और सारे लोग मोदी जी के गारंटी पर विश्वास कर रहे हैं। 3.75 करोड़ जनता, झारखंड के सभी लोग मोदी जी के प्रति, मोदी जी के काम के प्रति विश्वास है, उनकी गारंटी पर विश्वास है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि 14 के 14 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के झोली में जाएंगे और मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। अब की बार 400 पार होगा। तो ये विधायक ढुल्लू महतो लोकसभा के प्रत्याशी धनबाद के, न्यूज 11 भारत के लिए धनबाद से सहयोगी महेश के साथ अरुण बर्णवाल। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।